सेना की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद अब सेना भर्ती में सैलरी से लेकर उम्र तक में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या होने जा रहे हैं सेना में बड़े बदलाव, देखिए रिपोर्ट। सेना में भर्ती के लिए नई व्यवस्था होने वाली है, जिसके लिए बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए। सरकार सोमवार को नए टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को लागू करने वाली है, जिसका नाम अग्निपथ दिया गया है। यानी अब नई भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। अग्निपथ सिस्टम में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे। सवाल ये कि भर्ती कब और कैसे होगी। साल में 2 बार 6 महीने के बीच में भर्तियां की जाएंगी। अग्निवीरों की भर्ती में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, ये भी आप जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल उम्र वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती की बाकी योग्यताएं अभी वाली ही रहेंगी, उसमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। रंग रूटों की 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी, बाकी 3.5 साल सर्विस करेंगे। अभी एक सैनिक 17 से 20 साल सर्विस करता है। 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी में क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव के बाद सैलरी कैसे दी जाएगी। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी, जो 4th साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतना ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा सरकार ने अग्निवीरों का बीमा कराने का भी फैसला लिया है। 4 सालों के दौरान अगर किसी जवान की मौत हो जाती है तो बीमा की सारी राशि परिवार को दे दी जाएगी, जो 48 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी नॉमिनी को मिलेगी। हालांकि सरकार ने ये बदलाव सेना में आ रही तमाम दिक्कतों को कम करने के लिए किया है। साथ ही सरकार को भी कई फायदा इस बदलाव के बाद मिलने वाले हैं। आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी जरूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस स्कीम को बड़े स्मूथ और सीमलेस तरीके से हम इम्प्लीमेंट किए करेंगे और इसके होते हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी ना आए। हम अपने यूनिट्स में सही संख्या में बॉर्डर पर इन अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे और इस संख्या में या क्षमता में मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं आएगी। और ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा कि अग्निवीर स्कीम के इंडक्शन और स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज खास करके बॉर्डर एरियाज में इसमें कोई कमी ना आए। धन्यवाद। 86 सर, मैं मधुरेंद्र न्यूज नेशन से। मेरा सवाल नेवी चीफ से है, क्योंकि नेवी में हम देखते हैं कि जय हिंद जय भारत साथियों, मेरा नाम है जीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन से यही सस्पेंस चल रहा था कि TOD जो है टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगी या नहीं होगी, होगी तो क्या होगा, पुराने पेपरों का क्या होगा, होंगे या नहीं होंगे। तो आज इन सब के बारे में खबर निकल कर सामने आई है कि टूर ऑफ ड्यूटी को लागू कर दिया गया है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में पुराने पेपरों का क्या होगा, जो भी भाई टेस्ट में देने वाले थे, पुरानी भर्तियाँ अटकी हुई हैं 2-3 साल से, और जो आगे अग्निवीर की जो कार्रवाई है वो क्या होगी, अग्निपथ क्या है, किस स्कीम का नाम है, इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं भर्तियों से संबंधित।
आज हम बात कर रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो साथियों आपको बता दें, ये जो है पूरी प्रक्रिया जिसके तहत 4 साल के लिए भारतीय सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में भी इस प्रकार से 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इन सैनिकों का नाम होगा अग्निवीर, यानी ये भविष्य के सैनिकों का नाम अग्निवीर है। और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया स्कीम का नाम है अग्निपथ। इसके तहत अग्निपथ के तहत अग्निवीर भर्ती होंगे। इस प्रकार से जो भर्ती का प्रोसीजर है साथियों, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में जो मौजूदा प्लान है, जैसा कि आप सब जानते हैं, रनिंग का है, मेडिकल का है, टेस्ट का है, उसमें कोई भी अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही उम्र में कोई बदलाव किया गया है। इसके लिए बता दिया गया है जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल रहेगी के युवा आवेदन कर सकेंगे इसके अंदर। और सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका देने की सरकार ताक में है कि जल्दी ही महिलाओं को भी मौका मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्धसैनिक बल हमारे, उनमें महिलाओं को जो जीडी ट्रेड में जाने की अनुमति है, तो इस प्रकार से भारतीय सेना में तो लागू कर दिया गया है। जो भारतीय सेना की सेना पुलिस है उसके अंदर तो अभी लड़कियों को मौका मिल रहा है, तो इस प्रकार से इन सेनाओं में भी मौका मिल सकता है अभी जल्दी ही भविष्य में। तो साथियों, जो आर्मर्ड फोर्सेज के नियमों के मुताबिक 10वीं और 12वीं शैक्षणिक योग्यता रहेगी। आपको बता दें, जो भी युवा साथी 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती होंगे वो सभी 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए। जो लड़के 10वीं पास करके भर्ती जाएंगे, अग्निवीर बनेंगे, उनको 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा, ताकि वो 12वीं भी वहीं से अपनी कर सकें। तो इस प्रकार से भविष्य के सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा साथियों। इसका ऐसा होगा, सैलरी का स्ट्रक्चर पहले साल जो है सालाना पैकेज है पहले साल का, वो 4,76,000 रुपये होगा। चौथे साल तक ये पैकेज 6,92,000 तक हो जाएगा साथियों। इसके अंदर रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलाउंसेज भी मिलते रहेंगे। अगर आप कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क है, कठिनाई है, तो वहाँ पर भी आपका अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो सेवानिधि पैकेज है, नया NPS सिस्टम, वो यहाँ पर भी लागू होगा। इसमें बताया गया है कि सैलरी में से 30% योगदान जो है अग्निवीर करेंगे और उतना ही जो है सरकार करेगी। इस प्रकार से 4 साल पूरे होने पर करीब करीब 11,07,000 रुपये के करीब मिलेंगे। तो इस प्रकार से 4 साल पूरे होने पर, उसके अलावा इसमें ये जो पैसा मिलेगा आपको, इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। ये जो पैसा मिलेगा अग्निवीरों को 4 साल कंप्लीट होने के बाद में, जब वो सेवानिवृत्त होंगे, उनमें से 25% जो स्थायी भी होंगे, उसके लिए बोर्ड बनेगा। उसका पूरा प्रोसीजर आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसका अभी कोई भी रिटर्न में कुछ नहीं आया साथियों साइट के ऊपर। ये सिर्फ आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों के बीच में और हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में, तो उनके बीच में जो भी निकलकर सामने आई समाचारों अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है, वो खबरें आपको बता दी जा रही हैं। अब आपको बता दें, अग्निवीरों का जो सरकार वो कैसे ख्याल रखेगी। तो किसी भी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। उसके अलावा जो उसका पैसा सेवानिधि के अंदर कटा है वो भी पैसा उसको मिलेगा, और जो बाकी टर्म्स उसका टर्नओवर बचा हुआ है सर्विस का, उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। इस प्रकार से जिस भी अग्निवीर की डेथ होगी उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर किसी की डेथ नहीं होती है, बाय चांस डिसेबिलिटी हो जाता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। सरकार जो है डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपये तक देगी। उसके अलावा जो सेवानिधि में उसका जो बचत है वो भी उसको मिलेगी, और बचे हुए टर्म्स की पूरी सैलरी भी मिलेगी। इस प्रकार से जो सरकार है वो ध्यान रखेगी और उनकी एजुकेशन का भी ध्यान दिया जाएगा 4 साल में, और 4 साल बाद ये पैकेज दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये है पूरा अग्निवीरों का खास ख्याल सरकार के द्वारा। अब आगे हम बताते हैं इसका और प्रोसीजर क्या रहेगा। तो साथियों, एक प्रेस रिलीज नोट आया, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन डिफेंस विंग के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा 14 जून 2022 को जारी किया गया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें बताया कि ये हर काम देश के नाम। इसमें प्रेस को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बताया गया है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो रिक्रूटमेंट है युवाओं को आर्मर्ड फोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के लिए। उसके में जो भी अंडर इनरोलमेंट होंगे उन सबको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और वो 4 साल के लिए आर्मर्ड फोर्सेज में आएंगे। इस प्रकार से जो प्लान है उनके लिए बताया गया है, अलाउंस वगैरह, उनकी सैलरी पैकेज वगैरह के बारे में और जो उनकी सेवा निधि है उसके बारे में सारा इसमें प्रेस रिलीज नोट में इन्फॉर्मेशन में बताया गया। और ये भी बताया गया कि 46,000 जो अग्निवीर है वो अभी रिक्रूटमेंट इसी साल में रिक्रूटमेंट किए जाने हैं, 46,000 अग्निवीर। और ये 90 दिन के अंदर जो है वो कंडक्ट करने के लिए बोला गया है कि 90 दिन के अंदर ये जारी करो इनका पूरा शेड्यूल वगैरह। तो साथियों जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में जुट जाएं, अभी अभी मौका है आपको भर्ती होने का। आप 4 साल के लिए तो जा रहे हो लेकिन अच्छे काम करोगे तो आप परमानेंट भी हो सकते हो। ये आप हौसला मत छोड़ो यहाँ पर कि भाई हम पक्के नहीं हो रहे, देश सेवा का आपको मौका मिल रहा है, वहाँ पर जाकर अच्छे काम करो, अच्छे आगे बढ़ो तो आपको पक्का होने का। जो आखिर में 4 साल बाद बोर्ड बनेगा तो आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप पक्के भी हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत जो भी रिक्रूटमेंट इनरोलमेंट होंगे वो सभी अग्निवीर कहलाएंगे और उनका जो सैलरी पैकेज बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो नोट के अंदर। पहले साल आपको कितनी सैलरी मिलेगी, 30,000 सैलरी मिलेगी। दूसरे साल में आपको 33,000 सैलरी मिलेगी। तीसरे ईयर में आपको 36,500 मिलेगी। चौथे साल में आपको 40,000 सैलरी मिलेगी। इस प्रकार से आपके जो इन हैंड होगी वो 70% सैलरी इन हैंड होगी, जो 30% आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और वो 30% सरकार करेगी। तो इस प्रकार से जो आपका वो बता दिया गया है इसके अंदर कि आपके कितने सेविंग होंगे और कितने सरकार आपको, और जब आप 4 साल बाद बाहर निकलोगे तो आपको लगभग 11,71,000 रुपये के लगभग आपको सेवा निधि का पैकेज मिलेगा आपको। इस प्रकार से पूरे अलाउंसेज, हार्ड स्किल सब कुछ बताया गया है इसमें, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, इस प्रकार से कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, ये पूरा यहाँ पर इसके अंदर बता दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो है भर्ती होने का जो भी है शेड्यूल है वो सब पहले वाला सेम है। फिजिकल का स्टैंडर्ड, मेडिकल का स्टैंडर्ड और टेस्ट का जो भी है इनरोलमेंट का वो है वो सारा, और तीनों सेनाओं में, भारतीय नौसेना, वायुसेना और अपनी इंडियन आर्मी, सभी में यही प्रोसीजर है सेम जो पहले से चलता आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं अपने अच्छे से तैयारी करें, आपको मौका अभी इस साल में 46,000 रिक्रूटमेंट होने हैं, अच्छी वैकेंसियां हैं अभी। अब आप बोल रहे थे वैकेंसी नहीं निकाल रही सरकार, वैकेंसी नहीं, तब जल्दी आपको मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी करें। और अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो साथियों सरकार कहती है कि हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेना को आधुनिकीकरण करना और युवा करना, ताकि हमारी जो है सेना वो जवान हो, ज़्यादा से ज़्यादा जवान नौजवान भर्ती हों, जिसे सेना का स्टैंडर्ड बढ़े, सेना जवान दिखे। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले और उनको बाहर निकलने पर अपना कार्य करने के लिए योग्यता बढ़ाने के मौके मिलेंगे, साथ में अपना कोई भी कार्य शुरू करने के लिए धनराशि मिलेगी। इस प्रकार से युवाओं को, और फिर दूसरा सरकार का मकसद है जो भी कास्टिज्म और धर्म से रिलेटेड रेजिमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, जैसे जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो मद्रास रेजिमेंट है, तो इस प्रकार से जो रेजिमेंटें थी जिनमें इन्हीं के कैंडिडेट जाते थे, अब वो नहीं रहेगा सिस्टम, अभी हो जाएगा ऑल इंडिया ऑल कास्ट। भारत का कोई भी सैनिक किसी भी जाति का किसी भी रेजिमेंट में इनरोलमेंट हो सकता है। इस प्रकार से ये सभी को मौका देने का सरकार कह रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है। जो भी सैनिक को 4 से 5 साल तैयार होने में लग जाते हैं, जब वो
अपना अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद 4 से 5 साल में सीखने के बाद तब उसके बाद उसको रिटायरमेंट बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें भाई भतीजावाद चलेगा, क्योंकि पैसे चलेंगे तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़के ट्रेंड होकर आएंगे वो सिविल में आने के बाद गैंगस्टर बनेंगे, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के हथियार की जानकारी रहेगी, तो सरकार को फ़ायदा कम होगा नुकसान ज़्यादा होगा। तो साथियों, जो भी होगा आपके सामने होगा, आपके अंदर बुद्धि दी है भगवान ने, आप सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या होने वाला है अभी। तो इस प्रकार से अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें, जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है साथियों। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।